यदि समझ लेंगे राहु का नेचर, राहु है क्या, राहु चाहता क्या है, राहु करता क्या है, कैसे हमारी लाइफ में गुड इफेक्ट्स हम राहु के देखें, शुभ राहु, तो आई थिंक लाइफ जो है, जीवन जो है, वो बिल्कुल सॉर्टेड स्मूथ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक समय था, उस समय में ये बोला गया है कि काल सर्प स्वर भानु जो है, उसने छल कपट से समुद्र मंथन के समय देवताओं से अमृत पान के लिए, अमृत लेने के लिए देवताओं में वो छल करके घुस गया. और जब ये पता चला हमारे हरि विष्णु को, तो उन्होंने उसका सर और धड़ अलग कर दिया. तो केतु और राहु इस तरह से बने. सो सर माना जाता है राहु को. अब समझने की बात ये है कि जब इतनी प्लानिंग्स, इतनी स्कीम्स उसके पास में थी, लेकिन वो जो है वो गलत तरीके से चीटिंग करने जा रहा था, जिसका कि उसे ये फल मिल गया. सो अगर आप ये समझ लें कि राहु ही है इस कलयुग में जो हमें एक्चुअली हमारी जो डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, उसको फुलफ़िल करेगा, लेकिन जब तक कि आप किसी से चीटिंग नहीं कर रहे, किसी से छल नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तब आपको राहु के शुभ जो प्रभाव हैं वो देखने मिलेंगे. है क्या राहु? राहु है आपकी प्लानिंग, राहु है आपकी इंटेलेक्ट, राहु आपकी प्लानिंग्स बनाता है. जब भी आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, हासिल करना है लाइफ में, आपकी मैनिफेस्टेशंस को फुलफ़िल करना. क्यों? क्योंकि जब तक किसी के पास में ये दिमाग ही नहीं होगा कि कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है, उसके लिए प्लानिंग सॉलिड नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ कैसे मिलेगी. सो दिस इज़ व्हाट राहु इज़. राहु इज़ एक्सपेंशन, राहु इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी है क्या? वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी हमें करके देती है जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. तो जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया या आज भी कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, सो डेफिनेटली दे डू हैव दैट माइंड. दे डू हैव दैट माइंड की प्लानिंग क्या रहेगी, क्या क्या स्कीम्स रहेंगी, कैसे हम इस चीज़ को करें कि ये हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए यहाँ पर. सो दिस इज़ व्हाट राहु इज़. तो टेक्नोलॉजी, आज का कलयुग, ये सब राहु है. तो अगर आप जो है अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए राहु का उपयोग कर रहे हैं, सो डेफिनेटली राहु आपको गुड इफेक्ट्स देने ही वाला है. स्टॉक मार्केट, एकदम से आपको पैसा मिल जाना, स्टॉक मार्केट इज़ राहु, राइट? इफ़ वी टॉक अबाउट कि किसी भी बड़ी चीज़ को, बड़े प्रोजेक्ट को एकॉम्प्लिश करना है, किसी बड़े गोल को अचीव करना है, सो दैट इज़ इवन, क्योंकि दिमाग जो है ना, प्लानिंग्स, ड्रीमिंग, दिस इज़ व्हाट राहु इज़. बट जब वो सब कुछ जो ख्याल हैं आपके दिमाग में, उन सबको आप एक्शंस के थ्रू रियलिटी में लाते हैं, तो वो आप मैनिफेस्ट करते हैं. बट अगर राहु के गुड इफेक्ट्स नहीं हैं, सो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, ख्याल हैं, वो सब ख्याली पुलाव की तरह आपके माइंड में रह जाएंगे, रह जाते हैं. सो ख्वाब बड़े बड़े, लेकिन करना कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर राहु के शुभ प्रभाव नहीं है, सो लेजीनेस वुड बी देयर, एडिक्शन वुड बी देयर, स्लीप एडिक्शन वुड बी देयर, ड्रग एडिक्शन वुड बी देयर. सो जितने भी गलत काम हैं, चीटिंग्स हैं, वो सब अशुभ प्रभाव है राहु के. सो इस चीज़ को समझिए आप. तो अगर हम एक्चुअली में लाइफ में सब चीज़ें ठीक ठीक करते हैं, आप अपनी क्लीनलीनेस रखते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं, ये सब चीज़ें जब आप अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में रखते हैं, सो डेफिनेटली यू गेट गुड इफेक्ट्स ऑफ राहु. जो आपको चाहिए लाइफ में, विशेज फुलफिल करनी है, तो राहु के गुड इफेक्ट्स चाहिए ही चाहिए. आज के कलयुग में राहु जो है, उसको पहले राक्षस माना जाता था, पर अब हम बोलते हैं राहुदेव. राहुदेव की क्या बातें हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिसको ये समझ में आ जाएगा, वो रंक से राजा बन जाएगा, और जिसके समझ में नहीं आएगा, वो राजा से रंक बन जाएगा. दिस इज़ व्हाट राहु इज़. राहु इज़ एक्सपेंशन, राहु इज़ योर डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड. सो इसको समझ लीजिए, इसके सारे अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे यदि आप इसके एग्जैक्टली हिसाब से चलेंगे.